अहदा बिस्सैफ़ैन वसल्ला इलल क़िबलतैन वशर्रफ़ना बिहुब्बि ज़हरा उम्म सिबतैन वजअलना मिनल बाकीना अला मुसाबिल हसन वल हुसैन वत्तिसअते मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अल्लज़ीना मन बका अला मुसाबिहिम रुजहा हसनातुहु अमाल थक़लैन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल कौनैन रहमतिल दारैन जद्दिल हसनैन मौलल कौनैन अअनी अबल क़ासिम मुहम्मद محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الله من أحب حسينا صدق رسولنا النبي الكريم एक दुरूद हदिया कीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ान मोहतरम, बुजुर्गान, नौजवानान, आज़ादारान, सैयदुश शहदा, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा का जिस कदर शुक्र अदा किया जाए वो कम है इस अजीम नेमत पर कि उसने हमें आले मोहम्मद का चाहने वाला करार दिया। उनकी खुशी में खुश और उनके गम में गमगीन रहने वाला करार दिया। अज़ान मोहतरम, ये नेमत फर्शे अज़ा और अज़ाए हुसैन अलैहिस्सलाम में बहने वाला आंसू, आज इन्हीं दोनों चीज़ों की फजीलत पर आपसे बात होगी। इंशाअल्लाह के तवज्जुहात मेरे साथ रखेंगे। ये फर्श अज़ा के जिसे बिछाया जाता है, जिसे सजाया जाता है, जिस पर मुमिनीन व मुमिनात तशरीफ़ लाते हैं, अगर इंसान को, अगर मुमिन को, अगर अज़ादार को इस फर्श अज़ा की वक़्त मालूम हो जाए, अगर इस फर्श अज़ाब के मकाम व मंजिलत समझ आ जाए, तो क़यामत तक कोई आज़ादार फर्श अज़ा से न उठेगा। हदीस शरीफ से दलील पेश करूँ, क्या फरमान मासूम है कि जब किसी जगह पर फर्श बिछता है, महफिल सजती है, हम आले मोहम्मद का तज़किरा करने के लिए लोग जमा हो जाते हैं, उस मकाम का, उस फर्श का स्टेटस क्या है जानते हैं, उसका रुतबा क्या है आले मोहम्मद की निगाह में? इमाम फरमाते हैं कि जब किसी जगह पर आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले या सुनने वाले जमा हो जाते हैं, अल्लाह आसमान से उस ज़मीन पर फरिश्तों को नाजिल करता है। उन फरिश्तों का काम क्या है? हदीफ़े के साथ बताती है ना, वस्तगफरत लहुम इला अई यतफर्रकू, जब तक आले मोहम्मद का जिक्र करने वाले अपनी जगहों पर बैठे रहेंगे, आसमान के मासूम फरिश्ते इनके लिए इस्तगफार करते हैं। यहाँ तक तो हदीफ़े के साथ भी बताती है, लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती। हदीफ कहती है, रिवायत कहती है, जब ये चाहने वाले अपने घरों को लौट जाते हैं, तो ये ज़मीन से ये फरिश्ते दोबारा आसमान की जानिब लौटते हैं। ये फर्श से फरिश्ते लौटकर अर्श को जाते हैं। रिवायत के हसीन जुमले तवज्जो कीजिएगा, अब तक की फजीलत आज़ादार की थी, अभी फर्श अज़ा की फजीलत सुनिए। जब ये फर्शी फरिश्ते लौटकर अर्श वाले फरिश्तों के पास जाते हैं, तो अर्शी फरिश्ते इन्हें मुखातिब करके कहते हैं,
اِنَّا نَشُمُّ مِنْكُمْ رَائِحَةً لَمْ نَشُمَّ مِثْلَهَا قَتُّو، اے زمین سے آنے والے فرشتوں، ہم تم سے ایسی خوشبو سونگ رہے ہیں جیسی ہم نے کبھی جنت میں بھی نہ سونگی. سلامت رہے، میرے ساتھ سفر میں شامل ہوتے رہے. بات یہاں رکتی نہیں ہے. عرش والے فرشتے، ہم تم سے ایسی خوشبو محسوس کر رہے ہیں جیسی ہم نے جنت میں بھی محسوس نہیں کی. یہ تم کہاں سے آ رہے ہو، یہ خوشبو کہاں سے لائے ہو؟ فرشی فرشتے جواب دیتے ہیں، خدا نے ہمیں زمین پر بھیجا تھا، اس مقام پر، اس جگہ پر کہ جہاں محمد و آل محمد کے چاہنے والے جمع ہو کر اپنے آقاؤں کا تذکرہ کر رہے تھے. ایک جملہ کہہ کر حدیث مکمل کروں گا، کیوں نہ اس فرش عزا کی خوشبو جنت سے زیادہ بڑھ کر ہو کہ جس فرش عزا پر دختر رسول تشریف لاتی. توجہ ہے، میرے ساتھ ساتھ سفر میں شامل ہوتے جائیے گا. بات یہاں نہیں رکتی، بات یہاں نہیں رکتی. اب تک عزاداروں کی خوشبو کی بات ہوئی ہے، ابھی فرش عزا کی فضیلت باقی ہے. اے فرش والے فرشتوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ اتنی بہترین خوشبو جنت میں بھی نہیں ہے. بتاتے ہیں زمین سے آئے ہیں. عرشی فرشتے فرشی فرشتوں سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ ایک مرتبہ اس محفل میں لے چلو. فرشی فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ محفل برخاست ہو چکی، لوگ تذکرہ کر کے اپنے گھر لوٹ چکے. اللہ اکبر، جملہ سنیے گا، محسوس کیجئے گا. عرشی فرشتے کہتے ہیں، اگر اس زمین پر سے لوگ اٹھ کے جا چکے ہیں، ہمیں اس زمین کا، اس فرش کا مقام ایسا محسوس ہو رہا ہے، اگر لوگ اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں تو کیا ہوا، ہمیں پھر بھی اس فرش پر لے چلو، ہم اس فرش کی خاک سے تبرک حاصل کریں گے. ایک درود پڑھیں آل محمد کی عظمت پر. توجہ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ فرش عزا جس پر ہم اور آپ تشریف لاتے ہیں، جس پر آنے کی توفیق ہمیں خدا دیتا ہے. یہاں تک بات ہو گئی فرش عزا کی فضیلت میں. اب ذرا کچھ گفتگو اشک عزا کے فضائل میں. توجہات ہیں، یہ غم حسین میں رونا لوگ اسے بڑا معمولی فعل سمجھتے ہیں، یہ اتنی عظیم عبادت ہے، انسان کے تصور سے بالاتر ہے اس کا رتبہ. میرا آپ سے سوال ہے، یقیناً مومن کو نیک عمل کی نیت کا اجر ملتا ہے. توجہ ہے، مومن کو نیک عمل کی نیت کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن اتنا بتائیے کہ اگر ظہر کا وقت ہو جائے اور آپ فقط اپنے ذہن میں سوچ لیں اور ذہن میں سوچ کر نماز پڑھیں، ذہن میں نماز پڑھیں، تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں، جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے. کیا فقط ذہن میں سوچیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، فقط خیال میں نماز پڑھیں، تو کیا یہ نماز شمار ہوگی؟ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو فقط ذہنی تصور سے ادا ہو جائے، فقط ذہنی خیال سے ادا ہو جائے. کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کے فقط تصور کے آ جانے پر معصوم نے کوئی حدیث بیان فرمائی ہو، سوائے عزادار کے غم کے. اللہ اکبر، توجہ ہے عزیزوں، کوئی عبادت ایسی نہیں ملے گی جس کے ایک ایک رکن، ایک ایک جز پر معصوم سے روایت اور حدیث، کلام معصوم، کسی ایرے غیرے کی بات نہیں، وہ معصوم کہ جو خود تو نور ہے، جس کے کلام کے بارے میں زیارت جامعہ کے جملے کلامکم نور، اے آل محمد میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا کلام بھی نور ہے، اس معصوم کے جملے کسی ایک عبادت کے ایک ایک رکن اور جز پر نہیں آئے. توجہ کر رہے ہیں، لیکن یہ فرش غم حسین وہ ہے، یہ عزاداری وہ عبادت ہے جس کے ایک ایک جز پر، جس کے ایک ایک رکن پر، جس کی ایک ایک کیفیت پر ہمارے پاس معصوم کی روایت موجود ہے. ایک ایک کیفیت پر روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اگر توجہات میرے ساتھ ہیں تو مل کر ایک درود پڑھ دیں، محمد و آل محمد.
बुजुर्गान तशरीफ फरमाए, जानते हैं नौजवानों से सवाल है, गमे हुसैन में उस गम की कमतरीन कैफियत आपके जहन में क्या आ सकती है? कोई भी जवाब दे सकता है, कमतरीन कैफियत के जब कहा जा सके कि एक इंसान गमगीन है हुसैन के गम में, कमतरीन कैफियत आपके जहन में क्या आती है? कोई भी जवाब दे सकता है, क्या आंसू का निकलना? बहुत बाद की कैफियत है, तवज्जो कर रहे हैं? आंख से आंसू का टपकना तो बहुत बुलंद मर्तबा है, फकत अगर हुसैन के गम में किसी का दिल गमगीन हो रहा हो, दिल से एक आह निकल जाए, कुछ नहीं किया, नहीं जानता हुसैन को, फकत तज़किरा सुना, फकत मुसीबत सुनी, मुसलमान होना शर्त नहीं है, फकत मुसीबत सुनी, फकत गम सुना, दिल में एक हल्का सा दर्द उठा और दर्द भरी आह निकली। मासूम फरमाते हैं छठे इमाम के जुमले, नफसुल महमूमिल दुल्मिना तस्बीह, हमारे ऊपर ढाए गए मजालिम के ऊपर अगर कोई शख्स आह भर ले तो इस गमजदा की सांस भी इबादत शुमार होती है। नहीं अजीजों, तवज्जो नहीं कर रहे आप, नफसुल महमूमिल दुल्मिना तस्बीह, हमारे मजालिम में जो शख्स फकत गमगीन है, अभी गम का इजहार नहीं हुआ, अभी चेहरा अफसरदा नहीं हुआ, अभी आंख में आंसू नहीं आए, फकत दिल में गम हुसैन है, तुम सांस ले रहे हो, खुदा की बारगाह में ये सांस तस्बीह शुमार किया जा रहा है। तवज्जो कर रहे, मुझे कहने दीजिए कि आजादार को, मोमिन को यह शरफ मिला कि जिंदगी में साल में दो मरतबा ऐसे मौके आते हैं कि जब उसके सांस को तस्बीह शुमार किया जाता है। एक मरतबा रमजान में जब वो अल्लाह का मेहमान होता है, दूसरी बार मुहर्रम में जब वो हुसैन का मेहमान होता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तवज्जो कर रहे हैं, सफर में मेरे साथ हैं। पहली कैफियत क्या है? फकत दिल गमगीन होना। मासूम ने इसे भी तस्बीह बताया है, अल्लाह अकबर। अगली कैफियत, अरबी में इसे कहते हैं इहतिराक कल, फकत गमे हुसैन में दिल का कुड़ना। फर्क क्या है इस कैफियत और पिछली कैफियत में? मेरे नौजवान दोस्त तवज्जो कीजिएगा, अगर आज़ादारी की फजीलत हमें समझ आएगी तभी तो हर शख्स दिल से जहां सुनेगा, जहां मौका मिलेगा फर्शे अज़ा पर तशरीफ़ लाएगा, शरीक होगा। तवज्जो कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है हमारी नौजवान नस्ल तक फर्शे अज़ा और गमे हुसैन की, फर्शे अज़ा और अश्के अज़ा की फजीलत पहुँचे। आइम्मा ने हमें क्या बताया है ये पहुँचे, बहुत ज़रूरी है। तवज्जो है, दूसरी कैफियत फकत दिल का गमे हुसैन में कुड़ना, अब तक आंसू निकलने पर बात नहीं आई। तवज्जो है, फर्क क्या है? जरा फर्क सुनिएगा पहली कैफियत और इस दूसरी कैफियत में। एक मरतबा जिंदगी में आपसे कोई शख्स मिला और कोई तीन चार बरस बाद आपको उसकी वफात की खबर मिली, आपका कोई बहुत दूर का जानने वाला था, एक मरतबा हल्की सी अफसुर्दगी होगी, हल्का सा अफसोस होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तवज्जो कर रहे हैं, ये थी पहली कैफियत। ये कैफियत किनको हासिल होती है? जिनका हुसैन से कोई ताल्लुक ना हो। फकत शहजादे अली असगर के मसाइब सुने, एक मरतबा ख्याल आया, हाय कितना मजलूम था हुसैन, और फकत दिल में, दिल से एक आह निकल आई, कोई ताल्लुक नहीं। वो कैफियत वो थी जिसके बारे में कहा जा रहा था, इस कैफियत में सांस लेते जाओ हम तस्बीह लिखते जाएंगे। ये दूसरी कैफियत क्या है? कि जब इंसान का कोई करीबी चला जाए तो एक मर्तबा गम से दिल कुड़ता है, दिल में एक जलन और एक तपिश महसूस होती है। अभी आंख में आंसू नहीं आया, अभी दिल में कलेजे में एक तपिश महसूस हो रही है। इमाम मासूम फरमाते हैं
कि इन्नल मुजअ कल्बहु लना, रिवायत के जुमले पेश कर रहा हूँ, नस से रिवायत लफ्ज़ पेश कर रहा हूँ मासूम का, कदर कीजिएगा इसकी। मासूम फरमाते हैं इन्नल मुजअ कल्बहु लना, जो शख्स हमारे लिए अपने दिल को जलाए, जिसका दिल हम आले मोहम्मद के गम में कुड़ता हो, क्या होगा? ला यफरह इंद मौतिही फरहतन, हमारे गम में जिंदगी में दिल कुड़ रहा था, जब मौत का वक्त करीब आएगा खुदा इसे ऐसी खुशी अदा करेगा, ला तज़ालु तिल्कल फरहतु हत्ता यरिदा अलैना अल-हौज, ये खुशी इसके साथ साथ चलती रहेगी यहां तक के हौजे कौसर पे हमारे पास आ जाएगा। महसूस कर रहे, अभी आंख से आंसू नहीं टपका है, अल्लाह अकबर, ये आजादारी कितनी अजीम इबादत है, तसव्वुर तो कीजिए। अगर तवज्जोहात मेरे साथ है, मैं अगली कैफियत पर बात मुंतकिल करना चाहता हूं, मिलकर एक दुरूद पढ़ दीजिए आका हुसैन की आदमत। अल्लाह अकबर, दिल जलाए जिसका दिल कुड़े आले मोहम्मद के गम में, मकाम क्या है? ऐसी खुशी मिलेगी वक्त मौत के हौज़े कौसर तक ये खुशी इसके साथ साथ चलेगी। मौला वो खुशी कौन सी है, वो खुशी क्या है? इंशाल्लाह के अगर तवज्जोहात रखेंगे तो मजलिस के इख्तिताम में एक और कलाम आले मोहम्मद से, हदीस अहले बैत से इस खुशी पर से पर्दा उठाऊंगा। वो खुशी कौन सी है, खुद इमाम ने एक दूसरी तवील रिवायत में बताया, फकत मुख्तसर हिस्सा आखिर में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगली कैफियत, दो कैफियतें गुजर गई गम हुसैन की, अब तक हम आंसू बाहर टपकने तक नहीं पहुंचे, तीसरी कैफियत क्या है फर्श गम की, जो तसव्वुर की जा सकती है कि इंसान रोने के लिए आमादा हो जाए लेकिन अभी आंख से आंसू नहीं टपका, अभी आंसू ने अपनी जगह से हरकत की है, इस कैफियत पर भी रिवायत मासूम मौजूद है। तवज्जो है, क्या फरमाते हैं मेरे मासूम? फरमाते हैं इन्नल बाकी लना लयरहमुहुल्लाहु क़ब्ल अन यख़रुजा दमअतु मिन ऐनैह, अरे हम पर रोने वाला कौन होता है इससे पहले कि तेरी आंख से आंसू निकले, खुदा की रहमत खासा तुझे अपने घेरे में ले लेती है। महसूस कीजिएगा, आले मोहम्मद करीम है, किसी का एहसान नहीं रखते, तू हम पर रोएगा इससे पहले कि तू गिरिया करे, इससे पहले कि तेरी आंख से आंसू टपके, खुदा की खास रहमत तुझे अपने घेरे में ले लेगी। यूं तो दुनिया का हर इंसान ही अगर जिंदा है, अगर रिज्क पा रहा है, अगर जिंदगी बसर कर रहा है, अगर आराम व आसाइश में है, तो खुदा की रहमत की वजह से ही है ना। यूं तो हर इंसान ही रहमत खुदा के साए में जिंदगी गुजार रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का क्या तर्जुमा है, कोई भी जवाब दे सकता है मेरे बच्चे नौजवान दोस्त, बिस्मिल्लाह का क्या तर्जुमा है? शुरू करता हूं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला, अरबी में कहिए तो जो रहमान भी है रहीम भी है। उर्दू जुबान में आकर तर्जुमा पूछिए तो रहमान का तर्जुमा निहायत मेहरबान, रहीम का तर्जुमा बहुत रहम करने वाला। सवाल किया जाएगा ना कि मेहरबान और रहम करने वाले में क्या फर्क है, तवज्जो कर रहे हैं, रहमान और रहीम में क्या फर्क है? आले मोहम्मद ने बताया, रहमान से मुराद खुदा की वो रहमत है जो मोमिनों और काफिरों को तमाम को शामिल करती है। अगर खुदा का मुनकिर भी बुत परस्त भी खुदा का रिज़्क़ खा रहा है तो ये खुदा की अमूमी रहमत के सदक़े में है, लेकिन रहीम वो ख़ास रहमत जो फ़क़त उसके मोमिन बंदों को मिलती है। समझ आया, एक अमूमी रहमत है एक ख़ास रहमत है, एक आम रहमत एक ख़ास रहमत, एक है अख़स रहमत। ये किसे मिलती है? ये उस मोमिन को मिलती है जो हुसैन पर गिरिए के लिए फ़क़त आमादा हो जाए। कितनी कैफियतों का बयान हो गया,
तीन कैफियतों का बयान हो गया। मैं चौथी कैफियत की तरफ बहुत तेजी से मुंतकिल होना चाहूंगा। मोहम्मद व आले मोहम्मद पर एक दुरूद पढ़ दीजिए। अजीब अज़ान मोहतरम, वाकयन अगर इमाम ने अश्के अज़ा की ये फजीलत न बताई होती कयामत तक कोई दर्क नहीं कर सकता था। हमारी अकलें कासिर हैं इस अश्के अज़ा के रुतबे को समझने से। चौथी कैफियत क्या है कि आंसू ने आँख में हरकत की और एक कतरा, फकत एक कतरा आँख में आ गया। तुम्हारी निगाहों में यह आंसू का फकत एक कतरा है, जानते हो खुदा की निगाह में क्या है? जानते हो आले मोहम्मद की निगाहों में इसकी क्या कीमत है? मेरे छठे सरकार फरमाते हैं कि फलौ अन्न कतरतम मिन्हा, ये अजादार की आंख का आंसू है, इसे कोई मामूली आंसू न समझना, इसे गमे दुनिया में परेशान होकर रोने वाले का आंसू न समझना, इसे बेचारे का आंसू न समझना, इसे लाचार का कमजोर का आंसू न समझना, ये अजाए हुसैन में आने वाला आंख का आंसू है। छठे सरकार फरमाते हैं इस आंसू की कीमत खुदा की बारगाह में यह है, फलौ अन्न कतरतम मिन्हा, अगर इस आंसू में से एक कतरा, सकत पी नार जहन्नमा, अगर इस आंसू का एक कतरा जहन्नम की आग में गिर जाए, ला अत्फा अत्हर रहा, जहन्नम की सारी आग को ठंडा कर देगा। एक दुरूद पढ़े, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आल। तवज्जो कर रहे हैं अजीजों, महसूस कीजिए ये फर्श अजा, ये अश्के अजा की अहमियत। रुक कर एक सवाल करूंगा, इंसान की आंख से बहने वाला आंसू क्या ये इंसान के बदन का कोई अहम जुज होता है? सवाल है, कोई भी जवाब दे सकता है। क्या इसकी कोई वक़्त होती है? इसे क्या कहा जाता है? फाजिल रुतूबत, फाजिल यानी एक्स्ट्रा, फाजिल रुतूबत, ये है आंख के आंसू का आलम। ये क्या है? फाजिल रुतूबत। इसी तरह एक इंसान के बदन से बहने वाला पसीना क्या बदन का कोई अहम जुज होता है? क्या इसके बदन से निकल जाने से बदन को कोई फर्क पड़ता है? तवज्जो कीजिएगा, ये पसीना क्या होता है? फाजिल रुतूबत। ये आंसू क्या होता है? फाजिल रुतूबत। हुसैन के गम में बहने वाले आंसू का रुतबा सुन लिया। एक और रिवायत कहकर एक नतीजा दूंगा और अगली कैफियत की तरफ बढ़ जाऊंगा। ये था उस आंसू का कमाल के जो गमे हुसैन में निकले। क्या होगा अगर जहन्नम में एक कतरा गिर जाए तो सारी जहन्नम ठंडी हो जाए? अब जरा एक और हदीस सुनते जाइए। इमाम मासूम का फरमान है, मजमून और तर्जमा पेश कर रहा हूं। जो शख्स मेरे जद हुसैन की ज्यारत के लिए निकले, रास्ते में धूप की तपिश को बर्दाश्त करे, इसके बदन से पसीना निकलने लगे, ये बदन का पसीना वो होता है कि जिसके कतरों से खुदा फरिश्तों को खल्क कर दिया करता है। तवज्जो नहीं की अजीजों, फरिश्ते किस चीज की मखलूक हैं? मैं नाकिस इंसान, कमजोर इंसान किससे बना? मिट्टी से बना। लकद खलकनल इंसान फी अहसन तकवीम, इंसान को बेहतरीन बनाया मगर किससे बनाया? इंसान को गीली मिट्टी से, तीन से बनाया। ऐ खुदा ये फरिश्ते ये किस चीज की मखलूक हैं? फरिश्ते नूर की मखलूक हैं। तवज्जो नहीं की अजीजों आपने, फरिश्ते नूर की मखलूक हैं। ज़ाहिरे हुसैन राह पर चल रहा है, धूप की तपिश बर्दाश्त करता है, नतीजे में इसके बदन से पसीना निकलता है। जो पसीना इंसान के बदन की फाजिल रतूबत है, जिसके बदन की फाजिल रतूबत का आलम यह हो कि नूर के फरिश्ते खल्क हो जाए, उस इंसान का रुतबा क्या होगा? अगर बात पहुंच गई, एक दुरूद पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर बात पहुंच गई, एक मंजिल और आगे बढ़ाऊं गुफ्तगू को,
आंख से आंसू टपक आया, अब तक की गुफ्तगू आंख में आंसू आ गया, आंख से टपका नहीं था। पांचवी कैफियत, आंख से आंसू टपक आया। किस हद तक, कितनी मकदार में, कितना आंसू टपका? अल्लाहु अकबर, रिवायत के अजीब जुमले हैं अजीजों। एक मच्छर कितना होता है? रिवायत में मच्छर की ताबीर इस्तेमाल नहीं हुई, मच्छर के पर की ताबीर इस्तेमाल हुई। आठवें सरकार का फरमान, मन बका अल हुसैन فخرج من عينه من الدموع مقدار جناح الذباب। जो शख्स मेरे बाबा हुसैन पर रोए, आंख से मच्छर के पर के बराबर, मच्छर के बराबर नहीं कहा इमाम ने, मच्छर के पर के बराबर आंसू निकल आए। मासूम इरशाद फरमाते हैं, काना सवाबहु अलल्लाह, अब उसके सवाब का हिसाब किताब करना फरिश्तों के इख्तियार में नहीं है, अब इसका सवाब अल्लाह के हिसाब में है। फिर फरमाते हैं, गफर अल्लाहु लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही वमा तअखर, मच्छर के पर के बराबर आंसू टपक आया गमे हुसैन में, खुदा तुम्हारे तमाम पिछले और अगले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। कोई ख्याल करे, खुदा मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा हैं। आठवें इमाम ने जवाब दिया, वलौ कानत मिस्ला ज़बदिल बहर, अगरचे है अज़ाए हुसैन में रोने वाले, अगरचे तेरे गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। महसूस कर रहे हैं, मुझे अंदाजा है ये बातें वो हैं, ये रिवायात या हदीस वो हैं। आले मोहम्मद के और खुसूसन आका हुसैन के फजाइल ऐसे अजीब हैं जो इंसान के दिल को खुशी भी अता करते हैं, वहीं आंखों से आंसू जारी हो जाने का भी सबब बन जाते हैं। मुझे कोई मुश्किल नहीं है, आप जैसे सुनना चाहें, मेरे बुजुर्ग बामारिफत लोग, बामारिफत बुजुर्गान, मैं देख रहा हूँ आंखों से आंसू जारी हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आप आज़ाद हैं, जैसे सुनना चाहें। ये हुसैन के फजाइल हैं। हुसैन वो है कि जिसके फजाइल में भी मसाइब हैं, जिसके मसाइब में भी फजाइल हैं, जैसे सुनना चाहें। ये मारिफत के आंसू हैं, ये याद रखिएगा। एक कतरा कितना? मच्छर के पर के बराबर। अल्लाह अकबर, ज़रा करीमिए आले मोहम्मद तो देखिए। बात को एक कैफियत और आगे बढ़ाऊँ अजीज़ों, आंसू टपका, आंसू रुखसारों पर आ गया, आंसू इंसान की रीश को, दाढ़ी को तर कर गया। एक जुमला कहकर इस कैफियत से गुजर जाऊंगा, ये वो कैफियत है कि जिस कैफियत में अइम्मा काहिरीन अपने बाबा हुसैन को रोया करते थे। अभी दूर हूं मसाइब से, खुदा आपको जजाए खैर दे। अगली कैफियत क्या है? गमे हुसैन की इससे अगली कैफियत, अब तक तो रोने तक की बात थी, चाहे आह भरे, चाहे दिल दुखे, चाहे रोए, ये वो मनाजिल हैं, ये वो कैफियत हैं कि जब गमे हुसैन हमारी आंखों पर तारी होता है। लेकिन इसी गमे हुसैन की, इसी आज़ादारी की एक कैफियत वो है, हुसैन में गम, हुसैन के गम में गमगीन हो जाने की एक कैफियत वो भी है कि जब ये गमे हुसैन इंसान के बदन के तमाम अज़ाओ जवारे पर तारी हो जाए, इंसान के बदन का एक एक बाल हुसैन के गम में गमगीन हो जाए, ये कैसी कैफियत है? इस कैफियत में क्या होता है? और इमाम मासूम ने इस कैफियत का रुतबा और मंजिलत क्या बताई है? ये आखिरी कैफियत मैं पेश करना चाहता हूँ। इब्तिदा में सवाल छोड़ा था अपने बच्चों नौजवानों के लिए कि इमाम ने फरमाया था, जो दिल जलाए ऐसी खुशी पाएगा हौज़े कौसर तक, ये खुशी इसके साथ चलेगी। वो क्या खुशी थी? इसी कैफियत की रिवायत और जवाब में पेश कर दूंगा और फिर मंजिल मसाइब में जुड़ जाऊँगा। अगर समातें मुतवज्जे हैं तो आले मोहम्मद की फजीलत में एक दुरूद पढ़ दीजिए। तवज्जुहात हैं, रावी है मिस्मा बिन अब्दुल मलिक, किताब कामिलुल ज़ियारात, रिवायात और अहादीस की मुतबर तरीन कुतुब में से एक, मेरे बुजुर्गान जानते हैं। रावी मिस्मा बिन अब्दुल मलिक कहाँ का रहने वाला है?
ये बसरे का रहने वाला है, बसरा के जो इराक में वाक़ है, कि जो करबला से करीब है। आले मोहम्मद का एक तरीक़ा था, आले मोहम्मद के जो जब मदीने में आबाद थे, तो अगर इराक, कूफा या बसरा का रहने वाला कोई भी आता इमाम से मुलाकात के लिए, इमाम कोई बात पूछते ना पूछते एक सवाल ज़रूर करते, ये बताओ तुम इराक के रहने वाले हो, क्या मेरे बाबा हुसैन की ज़ियारत को जाते हो, क्या मेरे जद हुसैन की ज़ियारत को जाते हो। इमाम को, अइम्मा को कितना अरमान था कि लोग हुसैन की ज़ियारत पे जाएं। खुदा हमें दुनिया में बार बार आका की ज़ियारत नसीब फरमाए, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमाए। ये मिस्मा बिन अब्दुल मलिक रावी है, बसरे का रहने वाला है, छठे सरकार की खिदमत में हाजिर हुआ। मौला ने वही सवाल किया जो मौला के अजदाद और औलादें इराक से आने वाले असहाब से करती थी। ए मिस्मा, तुम बसरे के रहने वाले हो, ये बताओ क्या मेरे जद हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाते हो। तवज्जो है, मिस्मा ने जवाब दिया, ए फर्जंद रसूल, मैं अपने शहर का मारूफ शख्स हूँ, मुझे शहर में लोग जानते हैं, हाकिम और उसके जवासीस की निगाहें में मुझ पर होती हैं, मैं अगर आका हुसैन की ज़ियारत को गया तो मेरे लिए परेशानियां हो जाएंगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, मुश्किलात खड़ी कर दी जाएंगी, मेरा बसरे में ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। ज़रा तवज्जो कीजिएगा एक अहम नुक्ता, जो शख्स इमाम हुसैन की ज़ियारत पर जाने से कासिर है, इमाम ने इसका बदल क्या करार दिया, अगला सवाल क्या किया। तवज्जो है, हर वो शख्स जो दिल में ज़ियारत हुसैन की तमन्ना रखता हो, ए मिस्मा तुम मेरे जद हुसैन की ज़ियारत पर तो नहीं जा सकते, ये बताओ क्या मेरे जद हुसैन का गम मनाते हो। क्यों उलमा ने फर्शे अज़ा को पर बैठे हुए अज़ादार को ज़ाहिर हुसैन कहा है। इमाम पूछ रहे हैं, अगर ज़ियारत पर नहीं जा सकते, ज़ियारत पर जाने की कुदरत नहीं है, इस्तेतात नहीं है, हालात साजगार नहीं है, ये बताओ क्या मेरे जद हुसैन की आज़ादारी करते हो, क्या गम मनाते हो। कहने लगा, फर्जंद रसूल, मैं आपके जद हुसैन के गम में गमगीन हो जाता हूँ। ए मिस्मा, कैफियत क्या होती है तुम्हारे गम की। अल्लाहु अकबर, इतनी तफसील पूछ रहे हैं इमाम। ए मिस्मा, कैफियत क्या होती है तुम्हारे गम की। कहता है, मौला जब कभी आशूर के दिन आते हैं, मुहर्रम के अय्याम आते हैं, तो आपके जद हुसैन का गम मेरे पूरे बदन पे, ये आज़ादारी की एक इंतहाई बुलंद कैफियत। तवज्जो है, मौला जब मुहर्रम के अय्याम आते हैं, तो आपके जद हुसैन का गम मेरे पूरे जसद पर, मेरे पूरे बदन पर इस कदर तारी हो जाता है कि फिर न मुझसे कुछ खाए जाता है, न कुछ पिए जाता है, भूख और प्यास में रहता हूँ, इस कदर गमे हुसैन में निढाल हो जाता हूँ कि मेरे अहलो आयाल, मेरे घर वाले, मेरे ख़ानदान वाले गमे हुसैन के आसार मेरे चेहरे पर महसूस करते हैं। ये भी इश्क़े हुसैन का एक मरहला है, हुसैन के गम में इंसान लागर हो जाए, इंसान से कुछ खाया पिया न जाए। ये इमाम का जलीलुल कद्र सहाबी। तवज्जो है, ये कैफियत समझ आ गई, अब इस कैफियत का रुतबा सुन लिए। छठे इमाम ने जब इस जुमले को सुना, ऐ मिस्मा क्या वाकया ऐसा है, क्या मेरे जद हुसैन का गम तुम्हारे पूरे जिस्म पर तारी हो जाता है, भूख और प्यास में रहते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, बीमारी और मर्ज के आसार चेहरे पर आ जाते हैं। अर्ज की, फर्जंद रसूल, वल्लाहि हाकदा, खुदा की कसम ऐसा ही है। अब छठे इमाम मिस्मा को इनकी इस आज़ादारी का अज्र और मर्तबा बताते हैं। फरमाते हैं, ए मिस्मा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा, रिवायत के जुमले, वल्लाही या मिस्मा सत्तरा हुजूर आबाई इंद मौतिका, ए मिस्मा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा, तुम देखोगे, क्या देखोगे, कि मेरे जद हसन मुज्तबा तुम्हारे पास हैं, मेरे जद रसूल खुदा तुम्हारे पास हैं, मेरे जद अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे पास है, मेरे जद्दा हुसैन की दुखियारी माँ फातिमा जहरा तुम्हें लेने को आएंगी।
हुजूर आबाई इंदका, ए मिस्मा तुम देखोगे मेरे आबा व अजदाद तुम्हारी मौत के वक्त तुम्हारे पास होंगे और क्या करेंगे। वसतरा वसीयतहुम मलकुल मौत लका, अब ये फजीलत भी है और मैं आंखों में आंसू भी देख रहा हूं, वल्लाह मारिफत के आंसू है ये। जैसे चाहे इन जुमलों को सुनिएगा, अहम ये है कि महसूस कीजिएगा, दिल से कह रहा हूं दिल में उतार लीजिएगा। ए मिस्मा जब तुम्हारी मौत का वक्त करीब आएगा, वो जो पहली कैफियत थी मौला ने क्या कहा था, जो दिल जिसका दिल कुड़ता हो क्या मिलेगा, मौत के वक्त ऐसा तोहफा मिलेगा के हौज़े कौसर तक तोहफा साथ चलेगा। अब इमाम मिस्मा को बता रहे हैं, ए मिस्मा जब मौत का वक्त करीब आएगा पंजतने अथार तुम्हें लेने को आएंगे, खुदा की कसम आले मोहम्मद के हुबदार के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। तवज्जो कर रहे हैं मौला के अजीब जुमले, फकत आएंगे नहीं, वसीयतहुम मलकुल मौत लका, ए मिस्मा तुम देखोगे मेरे अजदाद मलकुल मौत से तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे। फतराहु अरक्का अलैका मिन उम्मिकल हनून, ए मिस्मा आले मोहम्मद की वसीयत के बाद मलकुल मौत का तुमसे सुलूक कैसा होगा, जिस तरह से कोई शफीक माँ अपने बच्चे से सुलूक किया करती है इससे ज्यादा रहमदिली से मलकुल मौत तुझसे पेश आएगा। ए हुसैन के चाहने वाले, हुसैन की माँ तुझे कहीं तन्हा नहीं छोड़ती, हुसैन के अजदाद तुझे कई लावारिस नहीं छोड़ते। अब समझ आया वो खुशी क्या होगी। एक और राज से पर्दा उठा कि जब मासूम से किसी ने पूछा मौला मौत कैसी है, फरमाया मलमल का कपड़ा। मलमल का कपड़ा बुजुर्गान जानते हैं, नौजवान दोस्त जाकर देखिएगा, मलमल का कपड़ा सबसे ज्यादा खफीफ और नाजुक कपड़ा होता है। मासूम फरमाते हैं मौत ऐसी है कि मलमल के कपड़े को झाड़ियों में डाल दिया जाए और फिर निकाला ना जाए बल्कि खींच लिया जाए, ये मौत की कैफियत है। इसी इमाम से एक और शख्स ने पूछा मौला मौत कैसी है, फरमाया मोमिन के लिए ऐसी है कि जैसे गुलाब का फूल सुखा दिया जाए। मौला इतना फर्क क्यों है, एक मर्तबा मलमल के टुकड़े को कपड़े को कांटों से गुजारा जा रहा है, एक मर्तबा इतनी आसान के गुलाब के फूल की खुशबू की मानिंद। अल्लाहु अकबर, ये मुअम्मा हल ना होता अगर छठे इमाम की यह रिवायत ना होती। कुरान से एक मिसाल दे दूं फिर मसाइब की तरफ आ जाऊंगा, तवज्जोहात मेरे साथ हैं। सूरह यूसुफ का वाकया जरा गौर से जाकर पढ़िएगा। ख्वातीन मिस्र हैं, हाथों में छुरियां हैं, दूसरे हाथ में सेब हैं या फल हैं। जुलैखा कह रही हैं यूसुफ इनके सामने से गुजर जाओ। यूसुफ गुजर रहे हैं, वो ख्वातीन के जिन्हें अपने हाथ में पाया जाने वाला फल काटना था, यूसुफ के हुस्न व जमाल में ऐसी महक हो गई के फल के बदले अपनी उंगलियों को काट लिया। क्या उन्हें उस वक्त दर्द का एहसास हुआ, क्या उन्हें तकलीफ महसूस हुई? नहीं, कुरान कहता है उन औरतों को, उन ख्वातीन को अपना हाथ काटने की तकलीफ महसूस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जमाल यूसुफी उनके सामने था। अब समझ आया कि वो मौत के जो इतनी ज्यादा सख्त है कि जब एक मोमिन के सामने उसके मौला अमीर कायनात का जलवा होगा तो उसके लिए फूल की खुशबू सूंघने की मानिंद क्यों हो जाएगी। फखरे यूसुफ का जलवा तेरे सामने होगा। अगर बात पहुंच गई, एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो कर रहे हैं, अगर अज़ाए हुसैन को अपने जिस्म पर तारी कर लो तो मकाम ये होगा, मौत का वक्त होगा, ऐसी खुशी मिलेगी संभाले न जाएगी, ऐसी खुशी मिलेगी कयामत तक हौज़े कौसर तक तुम्हारे साथ चलेगी। आले मोहम्मद सिफारिश करने के लिए तशरीफ लाएंगे। बस अजीजों, ये कुछ अज़ाए हुसैन की कैफियात थी।
ये कुछ फर्श अज़ा और अश्क अज़ा के फ़ज़ाइल थे जो आपकी ख़िदमत में पेश करने थे। आइम्मा की तालीमात अमानत की सूरत में थी, आपकी ख़िदमत में पहुँचा दी। चंद जुमले मसाइब के फिर ज़हमतें तमाम। अभी दो ही दिन गुज़रे हैं 12वीं मुहर्रमुल हराम को। बारहवीं मुहर्रम को कौन सी मुनासिबत है? शहदाए करबला का सोयम है। एक जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ जो जितना महसूस कर सके, घर जाकर भी इस जुमले को याद कीजिएगा, आंखों में आंसू आएंगे। बारहवीं मुहर्रम शहदाए करबला का सोयम है। अगर हमारा कोई अपना चला जाता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले उसके गुस्ल, कफन और दफन का इंतज़ाम करते हैं। जब अपने प्यारे को दफन कर लेते हैं, दफन को एक दिन गुजर जाता है तो दूसरे दिन सोयम मनाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, महसूस कीजिएगा इस जुमले को। हमारा अपना कोई जाता है तो तरीका ये होता है कि एक रात दफन की होती है और उसके बाद एक रात गुजर जाती है, दूसरी रात सोयम मनाया जाता है। कायनात में फकत शहदाए करबला वो गिरोह है, कायनात में फकत जहरा का लाल वो हस्ती है कि जिसके दफन होने का दिन भी वही है जो उसके सोयम का दिन है। मैं क्या कह गया अजीजों, जरा महसूस तो कीजिए। जिसके दफन और सोयम का दिन एक हो, जानते हैं मतलब क्या है? 3 दिन तक ये लाशा बेगौर कफन सरजमीने करबला पर रखा था। 12वीं मुहर्रम आई, सोयम हुसैन का दिन है, बनी असद वाले हाथों में बेलचे लेकर आए हैं। अब तो फौजे अश्किया जा चुकी होगी, जहरा के लाल को गुस्ल कफन दे देते हैं। जब बनी असद वाले मैदान में पहुंचे, आज भी 1400 बरस गुजर गए, वो कबीला आज भी आबाद है और आज भी 12वीं मुहर्रम को बेलचे लेकर हुसैन के रोजे के दरवाजे पे आता है, सर को झुका के कहता है, मौला हम शर्मिंदा हैं, हमने आने में देर कर दी। सलाम करता है, लौट जाता है। 12वीं मुहर्रम को बनी असद वाले शहदाए करबला के दफन के लिए पहुंचे। जब मैदान में पहुंचे तो क्या देखा? हर तरफ शहदा के लाशें बिखरे हुए हैं, गुलशने जहरा के फूल हर जाने बिखरे हुए हैं। बनी असद वालों को सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी जानते हैं? मुश्किल ये थी कि लाश की पहचान या चेहरे से होती है या लिबास से होती है। अरे करबला वालों के सर तन से जुदा हो चुके थे, लाशों से लिबास छिन चुके थे। अरे बनी असद वाले कैसे पहचाने कि कौन सा लाशों के शहीद का है? अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अला जहरा, रोने में न शर्माना अजीजों। छठे इमाम की दुआ को याद रखना, हालत सजदा में आंखों से आंसू जारी होते थे, दुआ देते थे, इरहम तिलका सरखत अल्लती कानत लना, ए खुदा उन चीखों पर रहम फरमा जो हमारे गम में बुलंद होती है। हर मुसीबत को छुपा लेना इबादत है, गमे हुसैन का इजहार करना इबादत है। ये आंसू दुख्तरे रसूल के कल्ब के लिए मरहम का बायस होते हैं। बनी असद वाले इसी कश्मकश में हैं कि क्या मंजर देखा, कूफे की जानिब से एक घुड़सवार आ रहा है, चेहरे पर नकाब है। जवान घुड़सवार बनी असद के नजदीक पहुंचा, घोड़े से नीचे उतरता है। बनी असद वाले कहते हैं, जवान था, नाम नहीं बताया, मगर हमने देखा कि नहायत ही लागर है, नातवा है। एक एक लाशें के पास आता
और हमें लाशें की पहचान कराता। ये हबीब इब्ने मज़ाहिर की इनकी लाश है, इसकी कब्र यहाँ बना कर दफन कर दो। ये मुस्लिम इब्ने औसजा हैं, इन्हें गंजे शहीदा में दफना दो। ये फलां सहाबी हैं, इन्हें भी गंजे शहीदा में दफना दो। ये फलां सहाबी का लाशा है, इसे भी गंजे शहीदा में दफना दो। बनी असद वाले कहते हैं वो नौजवान एक एक लाशे की पहचान कराता जाता था, हम एक एक लाशे को गंजे शहीदा में दफन करते जाते थे, यहाँ तक कि कुछ दूर आए और एक नशेब में उतरे। अरे नशेब में उतर कर हमने एक लाशा देखा जो जख्मों से चूर चूर था। एक जुमला कह रहा हूं, लाशा ऐसा था कि जिसके जख्मों में जख्म थे। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलज़हरा, खुदा कोई गम ना दे सिवाय गम आले मुहम्मद के। बनी असद वाले कहते हैं हम परेशान थे, इस लाशे को उठाएं तो उठाएं कैसे। नौजवान ने हमसे कहा कि जरा एक गिलीम का इंतजाम करो। गिलीम मंगवाई गई, अरे उस लाशे को समेट कर गिलीम पे डाला गया, एक जगह कब्र बनाई गई, लाशे को कब्र में उतारा गया। बनी असद वाले कहते हैं हम मदद के लिए आगे बढ़े। उस नौजवान ने कहा है बनी असद वालों, एक इमाम के लाशे को एक इमाम दफन कर दिया करता है, जरा पीछे हट जाओ। अरे जब लाशे को कब्र में उतार दिया गया, अरे कब्र पर खाक डाल दी गई, बनी असद वाले कहते हैं अरे उस जवान ने अपनी उंगुश्त से कब्र की खाक पर कुछ लिखा। अरे चौथे इमाम ने कब्र पर अपने बाबा का तारुफ लिखा। तारुफ क्या लिखा? चौथे इमाम को अपने बाबा के जिस गम की सबसे ज्यादा तकलीफ थी उसे कब्र पर लिख दिया। क्या लिखा? हाजा कब्रुल हुसैन इब्न अली अल्लज़ी क़त्लुहु अदशाना, ये मेरे बाबा हुसैन की कब्र है कि जिसे प्यासा ज़िबा कर दिया गया। आवाजें बुलंद हो गई, अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलज़हरा। ये आवाजें दुख्तरे रसूल के लिए ढारस का बायस है। आखिरी जुमले ज़हमते तमाम, बनी असद वाले कहते हैं जब हमने आका हुसैन की कब्र तैयार कर ली तो अपने नौजवान ने हमसे कहा कि आओ अब फरात की जानिब जाना। जो पहुंच गए मेरे साथ शामिल हो, आओ फुरात की जानिब चलते हैं। अरे दरिया के किनारे हमारे चचा का लाशा। कहते हैं हम दरिया के किनारे पहुंचे, एक लाशा खाक पर है, दोनों बाजू तन से जुदा है। हमने कब्र को तैयार किया, लाशे को कब्र में उतारा। हम चाहते थे कि कब्र पर खाक डाले, अभी हम खाक डालना ही चाहते थे कि जवान ने हमसे कहा बनी असद वालों कुछ देर इस कब्र से दूर चले जाओ। अरे बनी असद वाले कहते हैं हमने हुक्म की तामील की, हम कब्र से दूर हट गए। जब बहुत देर गुजर गई हम दोबारा कब्र के करीब आए, क्या मंजर देखा? जवान ने अपने सर को लाशे अब्बास के सीने पे रखा है, मर्सिया पड़ा है, है चचा अब्बास आप अपने भतीजे को तन्हा छोड़े चले गए, ऐ मौला आपके जाने के बाद आपकी बहनों के सर से रिदाएं लूट ली गई। अरे करबला से कूफा तक, कूफा के दरबारों में बाजारों में, अरे माँ बहनों को बेबकदा चादर फिराया गया, आपका भतीजा इम्तिहान में तन्हा।
الا ولعنه الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون بار الہ. تو جو واسطہ کربلا والوں کی مظلومیت کا, تو جو واسطہ آقا حسین کی غربت کا, بار الہ ہمارے ناسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے. بار الہ فرش عزا پر بہائے گئے ناسوؤں کے صدقے میں ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. بار الہ جب تک حیات ہے شہ کے عزادار بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ جو مؤمنین فرش عزا پر تشریف فرمائیں ان کے دل میں جو حاجتیں ہیں, بار الہ کربلا والوں کی غربت کے صدقے ان کی تمام حاجتوں کو بر فرما. بار الہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں بہترین روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت و وسعت عنایت فرما. بار الہ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. بانیان کی زحمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں عزاداران حسین آباد ہیں انہیں ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما. بار الہ تمام مسلمانان عالم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. سب سے بڑی دعا سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ما تم حسين.